साईराम, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौड़वाल बाबा के दर्शन करने शिरडी पहुंची। बाबा के दर्शन किए और साईं समाधि पर माथा टेका। इस अवसर पर मंदिर प्रमुख श्री विष्णु थोरात भी उपस्थित थे। इसके बाद श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाड़ेलकर ने अनुराधा पौड़वाल जी का सत्कार किया व उदी प्रसाद भेंट किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए अनुराधा पौड़वाल ने कहा कि मैं बचपन से ही बाबा से जुड़ी हूँ और शिरडी आती रहती हूँ। उन्होंने संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, विशेषकर स्वास्थ्य और अन्न दान को कितने बड़े पैमाने पर निशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, उसका जिक्र करते हुए कहा। आज शिरडी में बाबा का दर्शन लेने का मौका मिला, बाबा ने बुला लिया है और यहाँ आना हमेशा ही अच्छा लगता है। बचपन से मैं आती रही हूँ यहाँ पर और विशेष रूप से जिस तरह से असंख्य भक्तों के लिए यहाँ पे सुविधा की गई है, यहाँ के प्रशासन के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था, मेडिकल भी बहुत अच्छी की है, भक्त निवास है, अन्य क्षेत्र है, तो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो ये देख कर के प्रसन्नता हुई। और बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि इसी तरह से सेवा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की करते रहें। ओम साईराम। इसके अतिरिक्त कर्नाटक मंगलूर निवासी साईं भक्त सुश्री अकिला शेट्टी ने बेहतरीन नक्काशी से तैयार किया हुआ 68 ग्राम सोने का ब्रॉज साईं के चरणों में अर्पित किया, जिसकी कीमत करीब 5,50,000 रुपए बताई गई। शेट्टी परिवार ने बाबा का शुक्राना किया और साईं समाधि पर माथा टेका। अर्पित करने के बाद ब्रॉज को बाबा की ड्रेस पर लगा दिया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रमुख श्री विष्णु थोरात उपस्थित थे। दर्शन उपरांत श्री साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाड़ेलकर ने अकिला शेट्टी जी और परिवार को बाबा की शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी श्री तुषार शेल्के भी उपस्थित थे। आयु पठान, साईं लीला टाइम्स शिरडी। कृपया साईं लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साईं राम।